रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव के समय जन प्रतिनिधियों के काम का लेखा जोखा बताने के लिए नेताजी की हकीकत कार्यक्रम दिखाया था, जिसमें विधानसभा के विधायक ने कितना काम किया है इस पर जनता की राय सीधे आपको हमने सुनाया था और दिखाया भी था। और अब रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक बार फिर से जन प्रतिनिधियों के कामों का लेखा जोखा जनता से जानकर सीधे आपको दिखा रही है आखिर कितना काम हुआ है और कितना फायदा जनता को मिला है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक से देखें हमारे संवाददाता जयप्रकाश साहू की ये खास रिपोर्ट। रफ्तार मीडिया मैं हूं पार्षद को खबर को लेके वार्ड नंबर 4 के दूसरे छोर में आई हैं और जनता से फिर जानना चाहेगी आखिर उनका पार्षद इन 4.5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य किया है। वार्ड नंबर 4 में जो हम सिरपुर रोड की बात करें तो वहाँ तो काम नहीं दिखा, वहाँ के जनता ने बताया कि उनके पार्षद के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कुछ ऐसे भी शख्स थे जो उनका साफ तौर पे कहना है कि 4.5 सालों में प्रदीप मिश्रा पार्षद को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अब हम इस वक्त हैं दूसरे छोर पर जहाँ दर्रा का एक छोर ग्राम पंचायत में आता है, वहीं दूसरा छोर वार्ड नंबर 4 में आता है। दादा आपका क्या नाम है? कृष्णालाल प्रभुआ। आपके पार्षद के द्वारा लगभग 4.5 साल में क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है? हाँ, 2 वर्ष पहले पानी के लिए पाइपलाइन बिछाए गए है पेयजल के लिए, और 2024 में नाली निर्माण, पानी निकासी के लिए नाली निर्माण के भी इस साल काम हुई से। और देखो जैसे आप मन बताया था कि पानी नल के लिए पाइपलाइन बिछाए गए है, तो काका पाइपलाइन में पानी आते है? नहीं, पानी नहीं आते है पाइपलाइन में। 2 वर्ष हो गई पाइपलाइन बिछे भर है, पानी नहीं आते है। और नाली की बात करबो, ओकर गुणवत्ता की बात करबो, तो किस तरीक़े से नाली के काम हो पाई से? अब नाली जो है अब कंक्रीटी से दे जल्दी जल्दी करीन है, ओहूला आधा अधूरा करे हैं। जहाँ तक नाली निर्माण करना रही से वहाँ तक नाली निर्माण नहीं करे हैं, कुछ दूर ला नाली निर्माण के कुछ दूर और करना रही से तेला छोड़ दें। चलिए हमारे पास कुछ शख्स और भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है अपने पार्षद को लेकर। आपके पार्षद कतका कन काम कर पाई से आपके वार्ड में 4 नंबर में? बस ये गंदगी पानी के निकालने के लिए नाली। आपके पार्षद के द्वारा ये कहे जाते कि वार्ड नंबर 4 में बहुत काम करे हैं, कतका काम लगते आप लोग है? बस दो ठी काम हुआ मात्र। अच्छा, हाँ। तो कभी आप पार्षद के बारे में ये बातचीत लेकिन नहीं किए कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो पाते करो के घड़े हैं ऐसे? हाँ, प्रदीप मिश्रा का जा जा ना। हाँ, क्या बोलते हैं आपके पार्षद काम? हाँ, होगा ना अगर से ब्लड पर चुनाव आने वाला समय हुई ना तो ये नाली ला बने से, और वो 4.5 साल के बने हैं। अच्छा, पाइप नाली है। और कुछ काम ये वार्ड में जिन हुई सोही जिला अपन बताया कि पार्षद के द्वारा काम हुए हैं वो अच्छा काम हुए हैं? नहीं हो है, नहीं हो है। भैया आपके क्या कहना है, आपके पार्षद के द्वारा क्या कहना, कुछ कहना चाहते हो कि आपके पार्षद 4.5 साल में क्या काम करी से? अब कुछ नहीं करे, पानी नहीं ला है दे, अब पानी अब बोले से कि बिजली ऑफिस में टंकी पने है पानी के, तो पानी टंकी है वही पानी हम आ ही इसके बोले इसके बार गिर महाराज मेरता। और आपके पार्षद ये बोलते कि मैं बहुत काम करे हूँ, का आप लोग लगते काम करी से या 4.5 साल में कतका बार तुम्हार के बीच में आई से तुम्हार पार्षद? कुछ नहीं करे है, सिर्फ लाइन लगे मतलब नाली खोदे है, पाइप लगड़िया है, अब पानी वानी कुछ नहीं, 2-3 साल हो गए पानी नहीं आवा थे। तुम्हार कभी चेत सुध ली से तुम्हार पार्षद है? नहीं ले है, कभी नहीं ले। अच्छा, अब का लगते कि अगर बाई द वे पार्षद ला फिर से सामान्य टिकट कर दिए जाते, आपके पार्षद वही टिकट दिए जाए शासन के द्वारा, तो आपके का लगते कि आप लोग जीताहू, आप लोग लगते कि जिताए के लायक है? चाचा तो कहीं ना कहीं ये बोलना गलत नहीं होगा कि उनके जो जनता है उनके नाखुश हैं, साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ये जो वार्डवासी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पार्षदों की बात करें तो पार्षद प्रदीप मिश्रा का ये बोलते थकते नहीं है कि उनके द्वारा बहुत कुछ काम है। जो हमारे पास जो एक बाबा हैं वो भी और कुछ भी कुछ बोलना चाहते हैं, हम उनसे चाहेंगे कि और क्या उनको चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आप? देखो हमारा कहा है मकान के लिए प्रधानमंत्री जी वो योजना, हाँ ये कह रहा था पर्ची लावा, पर्ची ला के फार्म भर वैसे का चीज़ मकान के लिए। अच्छा, आवास योजना अवल नहीं करी सोला तो
तो ये थे हमारे पास कुछ जनता थे, उनको साफ तौर पे कहना है उनके पार्षद के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उच्च ऐसा काम नहीं हो पाए जिनको वो गिना सके। हाँ, उनके तौर पे ये ज़रूर कहा गया है कि कुछ पाइपलाइन बिछे हैं और साथ ही नाली का निर्माण भी किया गया है, लेकिन नाली के निर्माण की बात करें तो आधा अधूरा निर्माण हुआ है। वहीं पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन बिछा जरूर है, लेकिन पानी का वहाँ नहीं आने से ग्रामीण नाखुश नज़र आ रहे हैं। पार्षद की कमी बाद में ढूंढता हूँ, मैं तो पहले जनता की कमी ढूंढता हूँ। जनता ही भ्रष्ट ज़्यादा हो जाती है पार्षद की अपेक्षा। चुनाव के समय वो लोग अक्सर पैसा लेके वोट बेचते हैं, जिसके कारण हमें विकास की उम्मीद कम दिखाई देती है। आगे की बात थी कि 4 नंबर वार्ड से 2019 के नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस परिवार द्वारा मुझको भी प्रस्तावित किया गया था कि आप यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम आपको टिकट देंगे, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य को अवसर देने के उद्देश्य से, और मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं जिस वार्ड का मतदाता हूँ मैं उसी वार्ड से चुनाव लड़ूँ, तो दूसरे वार्ड से जाकर चुनाव लड़ना मुझे उचित नहीं लगा। इस कारण से मैं वहाँ पर स्थानीय वहाँ पर चाहता था। उस समय के आपके मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे कांग्रेस परिवार के इस नहीं छोटे भाई दिवंगत ऋषि श्रीवास जी को कांग्रेस परिवार ने वहाँ अवसर दिया था। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, जिनके संदर्भ में मैं यही बात कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के साथ में 1994 से जब कजरोल ग्राम पंचायत था तब मैं पंच था, मैं 14 नंबर वार्ड का पंच था और वो 15 नंबर वार्ड के 16 नंबर वार्ड के पंच थे। यहाँ पे तब से हम स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायत में हम एक साथ काम किए। आदरणीय प्रदीप कुमार मिश्रा जी के साथ में मैं सहकारिता के क्षेत्र में भी बतौर संचालक साथ में रहा हूँ। उनकी कार्यशैली निश्चित रूप से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और जैसी मुझको व्यक्तिगत ढंग से लगी। अगर वो विकास से बात करते तो इससे पहले वो 10 नंबर वार्ड से पार्षद थे, इससे पहले वो 8 नंबर वार्ड से पार्षद थे, उनको 4 नंबर वार्ड में जाने की क्या आवश्यकता थी। वो मूल जिस वार्ड के रहवासी हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा वार्ड 11, उस वार्ड से उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत क्यों नहीं की, ये सब सोचने की बात रहती है। और मैं 4-5 दफ़े का पार्षद हूँ, वर्तमान में अभी वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद हूँ। हाँ, देखिए बात करें विकास का, तो इन बीते 4.5 सालों में आपने क्या कुछ विकास किया? वार्ड नंबर 4 की बात करें ना, विकास तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए वो तो नहीं हो पाया। बस अड़े के पुल का निर्माण हुआ है, पेयजल व्यवस्था और आपका नाली का व्यवस्था ऐसा हुआ है वार्ड क्रमांक 4 में। लेकिन वार्ड नंबर 4 के जनता का कहना है कि विकास के मामले में भी 0 है, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है उनके पार्षद के द्वारा। उन लोग देखने का नज़रिया अलग अलग है, वो उन लोग को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि विकास कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है, वो शिकायत तो करे तो पता चलेगा। हम आपसे ही जानना चाहेंगे, विकास की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा विकास है जिसको आप गिनाना चाहेंगे? पेयजल की व्यवस्था है। कहाँ हुआ है पेयजल की? पेयजल की व्यवस्था वार्ड क्रमांक 4 की दर्रा है वहाँ पर हुआ है, और गुलाब विहार में, और आपका वृंदावन विहार में, और रहा सवाल का कॉलोनी में, और नाली का निर्माण जो है सिरपुर रोड पे हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे चैनल और जनता भी जानना चाहेगा कि क्या कारण रहा है कि लगातार आपने पार्षद बना है, लगातार आपकी पॉलिटिक्स में आपका करियर अच्छा रहा है, लेकिन हर बार आपको वार्ड चेंज करना पड़ा। चूँकि वार्ड चेंज करने का कारण ये है कि मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, और जहाँ भी सामान्य सीट हो वहीं से चुनाव में को लड़ना पड़ता है, इसलिए वार्ड से चेंज करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि आपके द्वारा विकास का कार्य हुआ नगर पंचायत में? हाँ, हुआ है, जितना मेरे बन सका और जितना मेरा पावर है उतने मुताबिक मैंने काम किया है, और हर वार्ड में किया, जिस जिस वार्ड में प्रतिनिधि किया हूँ। आपको बता दें, लगातार प्रदेश में 2 चुनाव निपट चुका है, बात करें विधानसभा की, बात करें लोकसभा की, 2 चुनाव निपटने के बाद अब तीसरा चुनाव सर पर है, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो। और रफ्तार मीडिया हमेशा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाती रही है, और इस खास रिपोर्ट में आपको बता दें, इस खबर का नाम हमने रखा है मैं हूं पार्षद। हमारे पास कुछ शख्स हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो वार्ड नंबर 4 है। आइए हम जानते हैं कि आखिर उनके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नागेश कुमार श्रीवास। आपके पार्षद कौन हैं और उनके द्वारा क्या कुछ काम कराया गया है इन 5 सालों में? हमारे पार्षद हैं प्रदीप मिश्रा, अभी तक इधर आते नहीं हैं। ये देखिए पानी पूरा भरा हुआ है, और एक नाली बस बना है ये सामने में, यहाँ से वहाँ तक के लिए वो पानी कम हो गया है। उसके बाद ये बाजू में इन लोग रहते हैं ठाकुर लोग, उनके घर में पानी घुस जाता है पूरा। तो कुल मिला के इन 4.5 सालों में आपके पार्षद के द्वारा जो विकास के काम है वो कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ है। जब विकास के काम अगर गिनाना चाहें तो कुछ एक काम बताएंगे? एक काम ये बस हुआ है, चाहे पार्षद करवा रहे हैं, चाहे
अध्यक्ष कर रहे हैं, ये वाला यहाँ से नाली लेके वहाँ तक बना है आगे तक। हमारे पास कुछ और भी हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर उनकी क्या कुछ रुपए। आपका क्या नाम है? लेखपाल पटेल। आपके पार्षद के द्वारा वार्ड में कितना कुछ काम किया गया है, बरसात हो, गर्मी हो या ठंड हो, इसको लेकर? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। गर्मी के दिनों में पानियों की किल्लत रहती है, नहीं रहती है? रहती है। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली के तो लाइन तो है नहीं है। अच्छा, खम्भा में जो लाइट जलता है अपने वार्ड में वो नहीं जल रहे हैं। देखिए, हम लगातार लोगों की यही कहना है कि पार्षद के द्वारा कुछ भी काम नहीं कराया गया है। वहीं पार्षद की बात करें तो पार्षद के द्वारा बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि उनके द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं। हम और भी चर्चा करेंगे, हमारे चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देखिए, आपका क्या नाम है? दिलहरन साहू। देखिए, बात करें बरसात के दिनों में आपके पार्षद के द्वारा क्या कुछ मुहैया कराया गया, जैसा कि हमको देख रहे हैं रोड में पानी भरा हुआ है, इस स्तर पे आपका क्या लगता है कि आपको पार्षद के द्वारा काम? यहाँ हम लोग कई साल से बोल रहे हैं पार्षद को और नगर पंचायत अध्यक्ष को बोल चुके हैं, यहाँ तक के सीएमओ को भी बोल चुके हैं कि मतलब यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, 2 फीट 3 फीट तक के पानी भरा रहता है, इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, बोलते हैं नाली बनाएंगे, लेकिन अभी तक मतलब कोई जवाब नहीं मिला, ना कुछ बना नहीं है। हाँ, देखिए, ये बात तो हो गई बरसात के दिनों में, वहीं बात करेंगे गर्मी के दिनों में पानी की कितनी किल्लत रहती है, नहीं रहती है? पानी की किल्लत तो हमेशा रहती है, क्योंकि जगह जगह मतलब वो नल जो पाइप जो लगाए हो वो आधा तूर तक लगा है, बाकी उधर तो नहीं लगा है। बीच से मतलब पाइप जो कट गया रोड बनाए उस समय से, तो अभी तक वो पाइप तो लगा ही नहीं है उसमें। देखिए, वोटिंग की बात करें तो पार्षद को 10 में आप कितना नंबर देना चाहेंगे उनके कार्यकाल को लेकर? 10 में तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक कुछ कार्य किया ही नहीं है, तो कहाँ से पूरा 10 में 10 मिलेगा। ये थे पुरुष वर्ग, हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे उनका क्या कुछ है। मैडम, आपका क्या नाम है? ममता श्रीवास। आपके पार्षद कौन है और उनकी क्या कार्यकाल रहा है? पार्षद प्रदीप मिश्रा। पार्षद को आपने कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा इन 5 सालों में? नहीं, जब चुनाव था उसी टाइम देखा था, उसके बाद 5 सालों में अभी तक तो कभी आए ही नहीं। अच्छा, देखिए, बात करेंगे हम यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेके, तो पानी हो या सड़क हो, बिजली हो, इसको लेके आपके पार्षद के द्वारा क्या कुछ मुहैया कराया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर बात करें आपके अपने पार्षद को वोट देने की, तो 10 में आप कितना अंक देना चाहेंगे? 0। मैडम, आपको क्या लगता है आपके पार्षद का क्या कैसा रहा है कार्यकाल इन 5 सालों में? नहीं है सर, ठीक। बिल्कुल ठीक नहीं है? नहीं है। मैडम, आपका क्या कहना है, आपके पार्षद का क्या कैसा रहा है कार्यकाल? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कुछ काम नहीं कर पाई से? नहीं। अभी आप दे रहे हो पंचायत में कि ये काम नहीं हो पाए, वो काम नहीं हो पाए? कुछ नहीं किया। नहीं, जिस नहीं कर पाई से आपके पार्षद है, तो एक अवगत आप मन सीएमओ साहब ला या अध्यक्ष ला दिखाओ का, कभी गे रहे हो वहाँ नगर पंचायत? नगर पंचायत नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं कि जो अपने नेता के बारे में बोल तो सकते हैं कि उनके द्वारा काम नहीं कराया गया, लेकिन सामने बोलना थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। हम एक बार फिर से वार्ड के जो बहुत बुजुर्ग बोले या फिर जमा बोले उनसे फिर से बात करेंगे। नागेश जी, आपने लगातार यहाँ के जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों के बीच में गए हैं, पूर्व में भी आपके द्वारा नगर पंचायत में इस बात को रखा गया था कि बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं दिला पा रहे हैं। ये पानी के नाम से हम लोग रखे थे नाली, यहाँ आप घुसोगे पानी थोड़ा सा भी गिरा तो यहाँ पे पूरा 3 फीट पानी भर जाता है, बाइक पार नहीं हो पाता 2 घंटा तक, पानी बंद होगा तो 2 घंटा बाद ही पानी खाली होता, फिर बाइक आना। देखिए, हम आपके पार्षद जो प्रदीप मिश्रा हैं वार्ड नंबर 4 के, लगातार वो उनके द्वारा कहा जाता है, उनके द्वारा लगातार 3 बार जीत चुके हैं, फिर ऐसा क्या कारण है? अगर पार्षद का कार्यकाल सही नहीं है तो फिर क्यों जीत रहे हैं? वो अलग अलग वार्ड से लड़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं कि सब यहाँ पे जनता भी कुछ गलती है कि पैसा ले लेते हैं, वोट दे देते हैं, काम होता नहीं है, और अलग अलग वार्ड से लड़ना उनका काम ही है। बहुत बड़ी बात बोले नागेश जी ने, उनका भी साफ तौर पे ये सही कहना है कि जनता अगर पैसे लेके अगर मतदान अपना मताधिकार अपने का गलत उपयोग करता है तो उनको व्यवस्था हो या विकास की बात हो कहाँ से होगा। देखना दिलचस्प हो ये होगा कि अब आने वाले समय में प्रदीप मिश्रा जो है वार्ड नंबर 4 से ही लड़ते हैं या हमेशा की तरह अलग एक वार्ड चुनेंगे। मैं हूँ पार्षद में वार्ड नंबर 4 से हम यहीं विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन तरुण के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया, कस्टोल।